हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना वी लैंसन को हेल्प के लिए कहता है, तब लैंसन कहता है वो उसकी किस तरह से हेल्प कर सकता है, क्या वो उसके साथ बात ले। सॉरी बट मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने थोड़ी देर पहले ही बात लिया है और मेरा कोई भी इरादा नहीं है दोबारा बात लेने का। वी जो उसे घूरे जा रहा था वो कहता है तुम्हारी वजह से मैं चल नहीं पा रहा हूँ, रूम से यहाँ तक आने में मेरी हालत खराब हो गई और ऊपर से तुम मेरी मजे ले रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वी गुस्से में अपना मुंह गुब्बारे से सब फुलो लेता है। तब तो लैंसन को वी पर और भी ज्यादा प्यार आने लगता है, उसे तो वी की बातें क्यूट लग रही होती है और वो स्माइल करता हुआ कहता है क्या मैं अपनी वाइफ पर इतना ज्यादा हार्ट हो गया था, ओ तुम्हें पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है क्या। और वो ऐसा कहते हुए वी के फूले हुए चिक्स पर पोक कर रहा होता है अपने फिंगर से, वी तक उसके हाथ पर स्लैप कर देता है। वी का ये गुस्सा उसके ये नखरे देखकर तो लैंसन स्माइल करता है और वो उसे हग कर लेता है और बड़े प्यार से अपने चिक्स को उसके चिक्स से रब करता हुआ कहता है माई स्वीट हार्ट, स्वीट कैंडी, माई स्वीट लवली वाइफ, क्या हुआ है, क्यों मुझसे खफा हो। वैसा कहने के बाद वी के सिक्स में किस कर लेता है और फिर कहता है अरे मैंने कब तुम्हारा मजाक बनाया, जो मुझसे नाराज हो रहे हो। वी तो आगे से कुछ भी नहीं बोल पाता लेकिन उसकी नाक चढ़ी हुई थी, जिसे देख कर लैंसन कहता है माय लवली वाइफ स्वीट हार्ट प्लीज नाराज मत हो, मुझे ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। वी तो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, लैंसन तो उसे किस करने लगा था, उसकी शोल्डर पर सक किया जा रहा था। अब वी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो लैंसन पर चिल्लाता है दूर हटो और ये क्या वाइफ वाइफ लगा रखा है, मैं वाइफ नहीं हूँ, खबरदार मुझे वाइफ कहा तो। ये सुन लैंसन कहता है बट बेबी मुझे तुम्हें वाइफ कहना पसंद है, वो तो बहुत क्यूट सा फेस बना रहा होता है। ये देख वी कहता है नहीं तुम मुझे वाइफ नहीं कहोगे, वो तो अपना हाथ जो उसे पानी में मार रहा होता है। ये देख लैंसन उससे थोड़ा दूर हो जाता है ताकि पानी ऊपर ना छिड़के। वी गुस्से में लैंसन को देख रहा होता है, तब लैंसन कहता है भला मैं तुम्हें क्यों ना कहूँ तुम वाइफ हो। तो वी कहता है नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, तुम इस बात को क्यों भूल जाते हो। ये सुन लैंसन कहता है अच्छा तो बताओ मैं तुम्हें क्या कहूँ, तुम कौन हो मेरे और मैं तुम्हें क्या कहूँ। ये सुन वी चुप हो जाता है, अपनी दांत पिसने लगता है। लैंसन अपनी सराहती आंखों के साथ वी को देख रहा होता है और सोच रहा होता है बाथटब में वी कितना ज्यादा सेक्सी लग रहा है, मेरा मन कर रहा है अभी मैं बाथटब में जंप कर दूं और वी को हंगरी किस करूं, और वो बस नॉटी स्माइल किया जा रहा था। ये देखो वी कहता है आगे तुम इतनी बत्तीसी क्यों दिखा रहे हो। ये सुनकर लैंसन कहते हैं अभी तुम जिस हालत में हो तुम खुद सोचो, मैं क्या सोचकर मुस्कुरा रहा हूँ। ये सुन वी उसे डेड क्लियर के साथ दिखने लगता है और अपने हाथ अपने सीने के ऊपर क्रॉस करके रख लेता है। ये देख लैंसन को हंसी आ जाती है और वो कहता है वाइफ गलत हमारे बीच इतना कुछ हो गया उसके बाद आखिर तुम उसे क्या छुपा रहे हो। वी तब चिढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है मैंने कहा ना तुम मुझे वाइफ नहीं कह सकते हो। लैंसन को तो बहुत मजा आ रहा होता है वी को चिढ़ाने में, तो वो कहता है नहीं मुझे तो पसंद है मैं तो कहूँगा। वी गुस्से में तब उसके पर पानी फेंकने लगता है, लैंसन पीछे हट जाता है और कहता है हे तुम ये क्या कर रहे हो। तब वी कहता है तुम हमेशा मुझे वाइफ कहते हो, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ अगली बार मुझे वाइफ मत कहना। और वो दोबारा लैंसन के ऊपर पानी फेंकता है, लैंसन फिर से पीछे हट जाता है और कहता है ओके और राइट मैं नहीं कहूँगा, अब क्या तुम बाथटब से बाहर निकलोगे या बाथटब में ही रहने का इरादा कर रखा है। तो वी कहता है वो तो फिर आगे कुछ कह ही नहीं पाता, वो अपनी नज़र नीचे कर लेता है। लैंसन थोड़ी देर तक उसे ऐसे ही देखते रहता है, उसके बाद तो वो टॉवेल लाता है और फिर वी से कहता है चलो आओ बाहर निकलो। वी तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस था पर वो लैंसन के सहारे खड़ा होता है बाथटब में। लैंसन उसे टॉवेल से कवर कर देता है और उसे केयरफुली उसे कैरी कर लेता है। वी काफ़ी ज़्यादा साइड फिकर रहा होता है, उसके तो चीक्स पिंक हो गए थे। लैंसन कहता है तुम्हें टॉवेल चाहिए थी, इतनी सी बात क्या तुम कह नहीं सकते थे। वी तब बुदबुदाता है मैंने तुम्हें हेल्प के लिए इसीलिए तो कहा था। लैंसन उसे कैरी करके ड्रेसिंग रूम में रहता है और उसे काउच पर बैठा देता है और उसके लिए उसकी ड्रेस का सेट निकालता है और वी से कहता है क्या मैं तुम्हें पहना दूँ। ये सुन वी साइफ़ी करता हुआ उसे मना कर देता है
और अपनी कपड़े उसके हाथों से छीन लेता है और अपने कपड़े पहन रहा होता है। लैंसन वहीं खड़े हुए उसे देख रहा होता है तो वी कहता है, इस तरह से देखना बंद करो, दूसरी तरफ देखो। क्यों, क्या हो गया, लैंसन कहता है। तो वी कहता है, ये बहुत एम्बैरेसिंग है, तो तुम दूसरी साइड देखो। ये सुनकर तो लैंसन एक फनी सा फेस बना रहा होता है। वी अपने कपड़े नहीं पहन रहा था, वो बस लैंसन को देख रहा था। तब लैंसन उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो दूसरी तरफ देखने लगता है। तब वी अपने कपड़े पहन रहा होता है। तब लैंसन कहता है, वी मेरे ख्याल से तुम्हें पहले मेडिसिन अप्लाई कर लेना चाहिए, तुम थोड़े हर्ट हो गए हो। ये सुनकर वी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वो अपना सर उठाता है और लैंसन की तरफ देखता है और वो ये ध्यान देता है लैंसन उसे मिरर से देख रहा है। अब वी तो लगभग चिल्लाने वाला था, उसका ध्यान पहले मिरर पर क्यों नहीं गया। उसे खुद पर थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है, वो अपना सिर पीट लेता है। लैंसन तो वहाँ से मुस्कुराता हुआ चला जाता है और फिर वो मरहम लेकर आता है और वी से कहता है, मैं इसे लगा देता हूँ। तो वी कहता है, नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। लैंसन कहता है, अपना हार्ट अटैक मैं लगा रहा हूँ ना। तो वी कहता है, नहीं मैं लगा लूँगा। लेकिन लैंसन तो नहीं मानता, वो उसके बॉडी में खुद से मरहम लगा रहा होता है। वी ब्लश करने लगता है। लैंसन मरहम लगाने के बाद वी को थोड़ा टेस्ट भी करता है। जहाँ उसने मरहम अप्लाई किया था वो वहाँ फूंक मार रहा होता है। तो वी को ना थोड़ा ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है। तो लैंसन से कहता है, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो। तब लैंसन कहते हैं, क्यों क्या हो गया, तुम तो इसे एंजॉय कर रहे थे, अब क्या हो गया। तब वी कहता है, नहीं मैं नहीं कर रहा था, अपना हाथ हटाओ। और वो लैंसन के हाथ को झटक देता है। तब लैंसन थोड़ा मुंह बनाता है और वो जो अब तक नहीं पड़ता वो खड़ा हो जाता है। वी भी खड़ा होकर अपनी ट्राउजर पहन लेता है और अचानक ही वो गिरने वाला था, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तब लैंसन उसे संभालता है। वी बस तब लैंसन को ही देखने लगता है, वो बस उसे देखे जा रहा था और उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। लैंसन तब कहता है, क्या मैं तुम्हें कैरी कर लूँ, और वो उसे कैरी कर लेता है। वी तो बस उसे ही देखता ही रह जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता। लैंसन उसे कैरी करके डाइनिंग टेबल की तरफ ला रहा होता है और कह रहा होता है, तुम कितने ज़्यादा नाजुक हो, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वी कहता है, लैंसन तब कुछ नहीं कहता, वो वी को चेयर में बैठाता है। वी देखता है टेबल में फूड ऑलरेडी सर्व है और फिर वो लैंसन से कहता है, लज्जा तुम्हें नहीं लगता, दो लोगों के लिए इतना सारा खाना ज़्यादा है। लैंसन ने तो एक्साइटमेंट में आकर बहुत सारे डिश बना दिए थे, फ्राइड राइस, स्पाइसी फूड, मोमोस और उसने साथ में इटालियन फूड भी बनाए थे। इन सब को देख कर वी के मुँह में पानी तो आ रहा था और वो खुश भी था, पर वो लैंसन को ये ज़्यादा दिखा नहीं रहा था। तभी लैंसन कहता है, तुम्हें सब मेरे हाथ से बना फूड पसंद आया था ना, तो मुझे पूरा यकीन है तुम इन्हें पूरा फिनिश कर लोगे, चलो अब बातें बंद करो और इसे खाओ। वी के फेस में तब एक ब्राइट सी स्माइल आ जाती है और फिर वो अपने फूड को खाना शुरू कर देता है। वी तो अपने फूड को काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है। लैंसन उसे फूड सर्व करता हुआ कहता है, वी थोड़ा और खाओ। वी कहता है, नहीं नहीं बस अब मेरा पेट भर गया। तब लैंसन कहता है, स्वीट हार्ट तुम्हारा पेट इतना जल्दी कैसे भर सकता है, तुम्हें तो अभी इन सब को फिनिश करना है। ये सुनकर वी का मुंह सॉफ्ट की वजह से खुल जाता है। तब लैंसन उसके मुंह में मोमो डाल देता है। वी उन्हें खाते हुए कहता है, ओह मैं अगर इतना खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। ये सुनकर लैंसन कहता है, अगर तुम मोटे हो भी जाते हो तब भी मैं तुम्हें प्यार करूंगा। और वो ऐसा कहकर वी के चिक्स में किस कर लेता है। वी ब्लश करने लगता है, उसका तो हार्ट मेल्ट हो गया था। लैंसन इतना ज्यादा स्वीट जो बन रहा था उसे समझ नहीं आता, लैंसन कभी कभी इतना ज्यादा स्वीट बन जाता है कि वो खुद को उसकी तरफ खींचने से रोक नहीं पाता। उसके दिल में तो लैंसन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। लैंसन तो उसे बड़े प्यार से खिला रहा होता है। तब वी कहता है, लैंसन तुम मुझे ही खिला रहे हो, तुम क्यों नहीं खाते। लैंसन तब स्माइल करके कहता है, तुम खिलाओगे तो मैं खाऊंगा। वी उसे थोड़ी देर घूरता है, उसके बाद वो लैंसन को खिलाता है। लैंसन को तब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वी अब उसके साथ पूरा कंफर्टेबल है और उसके साथ तो खुश भी है। जिस तरह से उसने वी की लाइफ में जगह बनाई थी उस तरह से अब उसने वी के दिल में जगह बनाना शुरू कर दिया है। वो दोनों काफ़ी एंजॉय करके अपने फूड को फिनिश कर देते हैं। उसके बाद लैंसन सारे प्लेटों को उठाता है और उन्हें वॉश करने के लिए चला जाता है। वी अभी भी डाइनिंग टेबल में आराम से बैठा हुआ था और वो किचन की तरफ देखते हुए सोचता है
लैंसन तो उसे काफी नजदीक ट्रीट कर रहा है, पर पहले उसने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं उसे माफ नहीं करना चाहता। लैंसन अपना काम खत्म करके लैनी टेबल की तरफ आता है। वी वहीं पर बैठा हुआ था और वो लैंसन को देखकर अपनी बाहें फैला लेता है, उसे कैरी करने का इशारा कर रहा होता है। लैंसन तब साय करके स्माइल करता है। वी क्या चाहता है वो समझ जाता है। वो उसे कैरी कर लेता है और कहता है, बेबी तुम्हें नहीं लगता तुम अपने केयरिंग हस्बैंड का कुछ ज्यादा फायदा उठा रहे हो। ये सुन वी कहता है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गलत जो कुछ तुमने किया है उसकी तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और वैसे तुम्हें तो मुझे कैरी करना पसंद है ना। जब मैं नहीं चलता था तो मुझे कैरी करो तो तुम मुझे कैरी कर रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हारे हाथ दर्द करने लगे। वी की ये ताने सुनकर लैंसन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तब वी कहता है, मुझे टीवी देखना है मुझे लेकर चलो। तब लैंसन उसे हॉल में लेकर आता है और काउच पर बैठा देता है और कहता है, तुम आराम करो मुझे ऑफिस जाना है, और हाँ टीवी देखते मत रहना थोड़ा पढ़ भी लेना। ये सुनकर भी लैंसन को गुस्से में देखने लगता है और कहता है, थैंक्स पर तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं थी। लैंसन तो स्माइल किया जा रहा था और वो ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए चला जाता है। वी अपना मुंह बिगाड़ता हुआ बड़बड़ करने लगता है, बड़ा आया मुझे पढ़ने के लिए कहने वाला, उसी की तो वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती थी और ये मुझे अब पढ़ने के लिए कह रहा है। बदतिमाग इंसान, वो ऐसे ही लैंसन को कुछ ना कुछ कह रहा था और टीवी देख रहा होता है। लैंसन रेडी होकर आता है और कहता है, मैं शायद आज लेट से आऊंगा तो तुम मेरा वेट करना, और अगर मुझे मिस करो तो मुझे कॉल कर लेना। तब वी कहता है, आखिर तुम्हें मिस कौन करेगा। ये सुनकर लैंसन कहता है, क्या बात है तुमने मुझे जवाब दिया, नहीं तो टीवी के सामने आते ही आसपास की तो तुम्हें कोई भी खबर नहीं रहती, तुम्हें सारा फोकस तो टीवी पर ही रहता है। वी अपनी नैरो आईज से उसे देखने लगता है। लैंसन स्माइल करता है और उसे किस कर लेता है, और फिर किस ब्रेक करने के बाद कहता है, चलो अब बच्चों की तरह मुंह मत बनाओ अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो मस्त गाना गुनगुनाता हुआ वहाँ से जा रहा होता है। वो अपनी फिंगर पर अपनी चाबी घुमा रहा होता है। अब इसके कुछ घंटे बाद हम वी को देखते हैं जो टीवी देखता हुआ सो चुका था। डोरबेल बजा होता है पर वी तो अपनी नींद से बिल्कुल भी नहीं उठता, और जब उसकी नींद खुलती है तो वो ध्यान देता है किसी ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया है। वो तो योनिंग कर रहा होता है, तभी उसे बटलर की आवाज़ आती है, गुड इवनिंग यंग मास्टर। वी तो चौंक जाता है, वो बटलर की तरफ देखता है और कहता है, आप यहाँ, आप लोग तो मेंशन छोड़ चुके थे। तो बटलर कहता है, मास्टर ने हमें बस कुछ दिन की छुट्टी दी थी, अब हम वापस आ गए हैं। बटलर स्माइल करके कहता है। तब वी भी स्माइल करता हुआ कहता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तब बटलर कहता है, यंग मास्टर क्या आप चाय या कॉफ़ी लेंगे। ये सुनकर वी कहता है, ठीक है फिर तो आप मुझे कॉफ़ी दे दीजिए। ये सुनकर बटलर वहाँ से कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है। फिर अगले सीन में भी बालकनी में बैठा हुआ मस्त अपनी कॉफ़ी पीते हुए अपनी ऑनलाइन फ्रेंड से चैट कर रहा होता है। कुछ समय से वो खुद में ही काफ़ी बिजी था, उसने किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया था। वो अब अपने फ्रेंड से बातें कर रहा होता है। इसी दौरान वो अपने वैनिंग को भी मैसेज करता है, हे वैनिंग तुम कैसे हो। थोड़ी देर बाद वैनिंग उसे रिप्लाई करता है, आई एम फाइन, पर तुमने लेंस से मैरिज क्यों किया, तुम तो उसे मैरिज नहीं करना चाहते थे, आखिर तुमने मेरे लिए उसे मैरिज क्यों की, तुमने इतना बड़ा डिसीजन ऐसे ही ले लिया। तब वी उसे रिप्लाई करता है, मैंने जो भी किया सोच समझ कर किया है, मुझे तुम्हारे साथ साथ अपनी फैमिली की भी फिक्र थी, उसने मेरे लिए कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा था और मुझे उससे मैरिज करनी पड़ी, वैसे भी अब सब कुछ ठीक है और मैं खुश भी हूँ, आई थिंक लेंस इतना बुरा नहीं है। तब वैनिंग उसे रिप्लाई करते हैं, सीरियसली तुम खुश हो, मैरिज होने के बाद तुम्हारी थिंकिंग तो उसके लिए बदल चुकी है, वैसे क्या तुम सच में खुश हो या तुम मैं परेशान ना हूँ इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तो वी रिप्लाई करता है, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। वैनिंग रिप्लाई करता है, तो वी कहता है, हम आखिर इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तुम मुझे ये बताओ क्या तुम कल कॉलेज आओगे। तब वैनिंग उसे रिप्लाई नहीं करता, वी उसकी रिप्लाई का वेट कर रहा होता है पर वैनिंग उसे रिप्लाई नहीं कर रहा होता है। तो वी कहता है, वैनिंग तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। कुछ समय बाद वैनिंग उसे रिप्लाई करता है, मैंने अपना ट्रांसफर करवा लिया है। ये पढ़ने के बाद तो वी चौंक जाता है और कहता है, बट वाई।
तो वेनिंग उसे रिप्लाई करता है, मेरी सिस्टर चाहती थी और तुम जानते हो लैंसर मुझे टारगेट कर रहा था। पहले भी उसने मुझे कहा था वो उसका ट्रांसफ़र करवाना चाहती है, अब उन्होंने फाइनली मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया है। ये पढ़ने के बाद तो वी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो हाई स्कूल के साथ में थे और उन्होंने सोचा था वो अपनी ग्रेजुएशन एक साथ कंप्लीट करेंगे। वेनिंग के अलावा उसके दो दोस्त और थे जो कि बहुत पहले ही अपना ट्रांसफ़र करवा चुके हैं, वो भी लैंसन के बुली करने की वजह से, और यही वजह थी जिसके कारण वी लैंसन को हेट करता है। अब वेनिंग भी उससे अलग हो रहा है, और होता है ना, हमारे कुछ खास दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे हम अलग नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं वो हमेशा हमारी बेस्टी बनकर रहे, हमारे साथ रहे। फैनिंग उसे कहता है मैं सिर्फ दूसरी सिटी जा रहा हूँ, मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूँगा। तो वी उसे आंसर करता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। तो फैनिंग उसे रिप्लाई करता है मैं भी तुम्हें मिस करने वाला हूँ। अच्छा हुआ वी तुमने मुझसे बात कर ली, मैं तुम्हें बिना गुड बाय कहे नहीं जाना चाहता था। क्या हम मिल सकते हैं? तो वी उसे रिप्लाई करता है ठीक है फिर हम कल मिलते हैं। तो वेनिंग उसे रिप्लाई करता है ठीक है मैं तुम्हें कॉलेज में पिकअप करने के लिए आऊँगा। यहीं पर ये सीन कट होता है। अगले सीन में लैंसन घर वापस आता है, उसे आते हुए रात के 11 बज जाते हैं। वो घर में एंटर करता है और उसकी नज़र हमारे वी पर जाती है जो कि फिर से काउच पर लेटा हुआ था। उसे देख कर लैंसन अपना सिर आता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था वी टीवी देखता हुआ सो चुका है। वो टीवी को ऑफ करता है और वी के पास आकर उसे देखने लगता है और फिर अपनी हाथ आगे पर आकर उसको लिप्स को टच कर रहा होता है। वो वी को बहुत प्यार से देख रहा होता है। इतने में वी अपनी आंखें खोल देता है। तब लैंसन अपने हाथ पीछे कर लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना मैंने तुम्हें जगा दिया। तो वी उठकर कहता है मैंने बस अपनी आंखें बंद की थी, मैं सोया नहीं था। और आखिर वो कैसे सो सकता है, दिन भर तो वो ऐसे सोया ही था तो उसे रात में कैसे नींद आएगी। लैंसन कहता है क्या तुमने डिनर कर लिया? तब वी कहता है हाँ मैंने तो कर लिया है, अब तुम अपने हैंड वॉश कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देता हूँ। तब लैंसन प्यारी से स्माइल करता हुआ कहता है पूछने के लिए थैंक्स बट मुझे भूख नहीं है। वैसे क्या तुम यहाँ पास बैठे हुए मेरा वेट कर रहे थे? ये सुनकर वी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और अपना मुंह टेढ़ा करके वो अपनी रूम की तरफ जाने लगता है। लैंसन वी की इस हरकत पर थोड़ा मुस्कुराता है और फिर उसके पीछे चलने लगता है। फिर वो वॉशरूम जाता है, खुद को फ्रेश अप करता है और अपनी कंफर्टेबल नया ड्रेस पहन लेता है और वो वी के पास आता है। वी भी अभी भी जगा हुआ था और बेड में बैठकर अपना फ़ोन चला रहा था। लैंसन कहता है वी तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सोना नहीं है? वी तो लैंसन की बातों का कोई जवाब नहीं देता, वो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये देख कर लैंसन कहता है वी अपने फ़ोन को साइड रखो और चुपचाप सो जाओ नहीं तो मैं इस फ़ोन को फेंक दूंगा। ये सुनकर वी कहता है क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मैं फ़ोन चला रहा हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, चुपचाप सो जाओ ना। और वो अपना गेम खेल रहा होता है। लैंसन उसके हाथ से उसका फ़ोन छीन लेता है और कहते हैं क्या तुम भूल गए तुम्हें कॉलेज जाना है, देर से सोगे तो देर से उठोगे, ऑलरेडी कितना लेट हो गया अब सो जाओ, फिर सुबह ये मत कहना मैं ठीक से नहीं सो पाया, मुझे सोने दो, फिर ये नाटक मत करना। वी तब एकदम क्यूट सा फेस बनाता है और कहता है बट मुझे नींद नहीं आ रही है। ये सुन लैंसन कहता है तो थोड़ा पढ़ लो, किताब खोलते ही तुम्हें तो नींद आ जाती है। ये सुनकर वी गुस्से में उसे देखता है। लैंसन तो उसकी टांग खींचने लगा है। लैंसन उसके फ़ोन को टेबल में एक साथ रखता है और वो लेट जाता है। वी उसे घूर घूर के देख रहा होता है। तब लैंसन कहता है अब ऐसे क्या देख रहे हो, अब सो जाओ। वी उसे एक टक देखे जा रहा था तो लैंसन उसकी कलाई को पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और उसका सिर अपने सीने में रख कर उसके बालों पर अपना हाथ फहरा रहा होता है। वी को काफ़ी वार्म फील होता है और वो लैंसन से कहता है रजा तुमने डिनर क्यों नहीं किया, क्या तुम डिनर बाहर से करके आए हो? लैंसन हाँ कहता है। तो वी कहता है वैसे तुम तो खाना बनाना बहुत अच्छे से जानते हो और तुम्हें तो बहुत सी डिश बनाने आती है, तुमने क्या कुकिंग क्लासेस ली थी? मुझे सीजे ने सिखाने की तो कोशिश की थी पर मैं कुछ सीख नहीं पाया, वैसे मुझे कुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो खाना पसंद है। और वो स्माइल किया जा रहा था एंड लैंसन सोच रहा था ये वी को क्या हो गया है, वो इतना फ्रेंडली उससे तो कभी बातें नहीं करता है, आज इसे क्या हो गया, ये बस कंटिन्यू बोले जा रहे हैं। और वी तो लैंसन से सवाल कर रहा होता है और वो बातें किए जा रहा था।
लैंसन को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। वी उससे बातें कर रहा है और वो उसकी सारी पटर पटर को सुन रहा होता है। उसके बाद वो कहता है, वी तुम्हें नींद नहीं आ रही है ना? तो वी कहता है, हाँ वो तो मैंने तुम्हें पहले से बताया है मुझे नींद नहीं आ रही है। तो लैंसन कहता है, चलो तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया जाए। एक्सरसाइज रात में? इस पर लैंसन कहता है, हाँ इस एक्सरसाइज को तो कभी भी कर सकते हैं, चलो तो शुरू करें। तभी अपना मुंह बिगाड़ता हुआ कहता है, नहीं मैं नहीं करने वाला, मुझे नहीं करनी कोई एक्सरसाइज। लैंसन अपने मन में कहता है, ओ गॉड ही कितना लेजी है, इसे तो मुफ्त में खाना और इसे मोबाइल चलाना ही पसंद है। और फिर वो वी के चिंग को पकड़कर उसका फेस अपने फेस के करीब करता है और ये उससे किस कर लेता है। वी की आँखें बड़ी हो जाती है पर वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, बस लैंसन के कपड़ों को टाइटली पकड़ लेता है। लैंसन उसे पूरे फेस में किस कर रहा होता है, वो उसकी नेक पर किस करता है। वो उसके ऊपर आ चुका था और उसे सब तरफ किस कर रहा होता है और अपने हाथ उसकी शर्ट के अंदर डाल देता है और उसकी बेली पर अपने हाथ फिरा रहता है और धीरे धीरे उसका हाथ ऊपर जा रहा होता है। वो उसे थोड़ा पिंच करता है, उसे टेस्ट करता है और उसे लॉन्ग प्रेसिनेट किस कर रहा होता है। वो अपनी टंग उसके माउथ के अंदर ले जा चुका था और उसे हार्शली फाइनल किस कर रहा होता है। वी अपना हाथ लैंसन की नेक पर पूरा राउंड करके रखा हुआ था, वो इस किस को इंजॉय कर रहा होता है पर वो उसे रिप्लाई नहीं कर रहा था। एक लॉन्ग मेसी किस करने के बाद लैंसन किस को ब्रेक करता है। उन दोनों की लार तो उनके फेस में लग चुकी थी, उतने बहुत ही मैसी किस किया था। वो दोनों हार्ड ब्रीथिंग दे रहे होते हैं। लैंसन फिर वी के ट्राउज़र निकालने लगता है। वी कहता है, अब ऐसा मत करो, हमने कल ही तो किया था। तब लैंसन कहता है, तो क्या हो गया? तब वी कहता है, तो क्या क्या मतलब है, मुझे नहीं करना है, मुझे कल की वजह से पेन हो रहा है, पेन मैं नहीं करना चाहता। और वो लैंसन को दूर करने लगता है। ये देख कर वी फिर से नाटक कर रहे हैं। लैंसन उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लेता है और उसे बेड पे फ्रेश कर रहा होता है। लैंसन बहुत टाइट पकड़ा था। वी को थोड़ा सा पेन होने लगता है और वह कहता है, क्या कर रहे हो, तुमने कहा नहीं था मुझे कॉलेज जाना है? मैं अगर हम ये करेंगे तो मैं कॉलेज कैसे जा पाऊँगा? कॉलेज जाने के लिए मेरे पैरों को तो सही सलामत होना चाहिए। सो प्लीज़ लैंसन, प्लीज़ लीव मी। तब लैंसन कहता है, बस एक दो राउंड। वी कहता है, नहीं वो तो मुझे नींद आ रही है तो मैं सोऊंगा ना, तो प्लीज़ मेरे ऊपर से हटो। लैंसन कहता है, अरे वाह क्या बात है, तुम्हें अब नींद आने लगी, थोड़ी देर पहले तो तुमने उसे क्या कहा था? वी को रिग्रेट हो रहा होता है, आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था। एंड उसका फेस रोने जैसा होने लगा था, उसकी आंखें हल्की हल्की नमी आ गई थी क्योंकि वह डर रहा था। लैंसन बहुत ज़्यादा रफ है और उसके साथ फिजिकल होने के बाद तो उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है, तो वो चलने में उसे बहुत दिक्कत होने वाली है। लैंसन बिना देर किए अब उसकी ट्राउज़र को खींच देता है, उसे पूरा निकाल देता है। वी की तब तो हार्ट बीट ऊपर नीचे होने लगती, वो बहुत जोर जोर से बीट करी जा रही थी। वो अपनी आँखें टाइटली बंद करता है। लैंसन जो उसके साथ करता है उसके बाद तो वी की बॉडी पूरी रिएक्ट कर रही होती है। वो प्लेजर और एक्साइटमेंट में मौन करता है। वो अपनी आंखें खोलता है, लैंसन को देखता है। लैंसन उसके साथ लव मेक कर रहा था और उसे अपनी माउथ के थ्रू प्रेजल दे रहा था। वी तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, वो एक टक लैंसन को देख रहा होता है और उसका फेस जो बुरी तरह से रेड हो चुके थे वो बहुत बुरी तरह से ब्लश कर रहा होता है और वो कहता है, लजा। और उसकी सांसें जो बहुत गहरी हो चुकी थी। लैंसन वी की तरफ देखता है और स्माइल करता हुआ कहता है, मैंने ये फर्स्ट टाइम किया है, क्या मैं अच्छा हूँ? तो वी कहता है, क्या तुम ये पहली बार कर रहे हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड लोगों का क्या, क्या तुमने उनके साथ कुछ नहीं किया? ये सुन लैंसन कहता है, हाँ मैं मानता हूँ मैं उनके साथ सेक्स करता था बट मैंने ये किसी के साथ नहीं किया, मैंने किसी का भी माउथ में नहीं लिया है। ये सुन वी ब्लश करता हुआ कहता है, तो क्या मैं फर्स्ट हूँ? लैंसन कहता है, हाँ माई लव। और वो मुस्कुरा रहा होता है। तो वी कहता है, तो क्या हम आगे बढ़ें? तब लैंसन खुश होकर कहता है, अरे वाह क्या बात है, तुम मुझे आगे बढ़ने के कह रहे हो, लगता है तुम्हारा मूड पहले से था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? ये सुन वी कहता है, चुप करो, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता हूँ और तुम्हारे पास तो मैं बिल्कुल नहीं, वो तो मैं अब बहुत ज़्यादा अराउज्ड फील कर रहा हूँ। तो फिर और वह ऐसा कहते हुए धीरे धीरे करके उसकी आवाज़ कम होती जा रही थी
और वो अपनी लिप्स को बाइट किया जाता है। लैंसन उसकी थाई पर अपना हाथ फैलाता हुआ कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, अगली बार अगर कुछ चाहिए ना तो मुझे बता दिया करो, ठीक है? सुरमानी का नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और वो हंसने लग जाता है तो वी उसे किक कर देता है क्योंकि वो एम्बेरस था। आगे हमें वी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और हम यहीं पर ये वाला पार्ट एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।